और दो टोक की शुरुआत करें उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, योगी का चौका 24 में मोदी को क्या फिर मिलेगा मौका? सहयोगी से बढ़ी शक्ति, अब बगावत से मुक्ति। पूरब टू पश्चिम प्लान, विपक्ष को होगा नुकसान। चौकड़ी ने बदला समीकरण, बीजेपी के कब्जे में 24 करोड़। नए पुराने की केमिस्ट्री, क्या जीत की है ये गारंटी? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सवाल दीपक जी आपसे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा था कि राजभर को कब शामिल करेंगे मंत्रिमंडल में। राजभर को तो शामिल ही कर लिया और आरएलडी से भी एक चेहरा दे दिया, तो ऐसे में जाति समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश हुई है। आपकी पीडीए को कहा जा रहा है कि वो पीडीए बस दिखाने के लिए है और हम शामिल करते हैं सभी, हर एक, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अगड़ा हो, सबकी बात करते हैं। देखिए राहुल जी, आज जितने भी लोग मंत्री बने उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जनहित में ये लोग अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि बड़ी देर कर दी हुजूर मंत्री बनाते बनाते, आखिर इतनी देर क्यों कर दी इन्होंने? टाइमिंग देखी इनकी, अब 4 दिन बाद जो मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने वाली है, तो उस टाइम इन्होंने जो है वो उनको मंत्री बनाने का काम किया। और देखिए, रहा सवाल हमारे पीडीए का, ये पीडीए ही था जिसने घोसी में जो है तो दारा सिंह चौहान जी, जिन्होंने जनमत का अपमान करने का काम किया था, क्योंकि जनता ने उनको समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल से घोसी से जो है, घोसी की महान जनता ने उनको विधायक बना करके भेजा था राहुल जी, लेकिन उन्होंने जनमत का अपमान करते उन्होंने पाला बदल लिया। अब जिस लालच में भी उन्होंने पाला बदला, आज उनका लालच दिख गया। तो देखिए, जनता बहुत समझदार है। उनका कहना है कि हम गए थे 2017 में, जैसे गए थे, जीत के आए, मंत्री भी बने, लेकिन 22 में लगा कि लहर नहीं है, 22 में चले गए आप लोगों के साथ, जीते तो फिर मौका नहीं मिला। मेरी बात को आप ही ने जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। इसका मतलब ये लालच में गए थे ना, ये लालच में आए थे, इस लालच में कि यहां पर अगर सरकार बन रही, लहर है समाजवादी की, सरकार बनेगी तो यहां पर भी हम मलाई खाएंगे। यहां पे जो है सरकार इत्तेफाक नहीं बनी, जनता का जो भी रुझान रहा, जो भी जैसे जा रहा है मलाई खाने ही जा रहा है, लेकिन सियासी गुणागणित के हिसाब से ही जाता है। भाई राहुल जी, आप ही ने कहा ना कि 2022 में आए, उनको लगा लहर, कह रहा कि भूल हो गई थी हमसे। नहीं, भूल हो गए तो भूल सुधार लेना, अपनी सुधारा तो सुधार तो घोसी की महान जनता, तो घोसी की महान जनता ने भी तो सुधार दिया इनको। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा उत्तर प्रदेश का सीट से लेकर के कनिष्ठ नेतृत्व, तो ठीक है। कौशल कांत जी, टाइमिंग पर सवाल है, वहां पर जो है टाइमिंग पर सवाल है, और सवाल भाई आरएलडी तो बहुत दिन पहले तो नहीं है, अभी ताजा ये घटनाक्रम चला है। अभी ये ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल कर रहे हैं या फिर जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर सवाल कर रहे हैं? राहुल जी, आपको राम राम और मेरे साथी को राम राम। देखिए, पता नहीं वो राम राम लेंगे कि नहीं लेंगे, वो ले न ले, हमारी तरफ से तो राम राम है, और जय सिया राम। तो राहुल जी, बात बोल रहे हो आप लोग, जय सिया राम, बात जय सिया राम, जय सिया राम। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का डिसीजन है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन इस तरह से होते हैं जो लोकहित में होते हैं, सर्वसमावेशी होते हैं, जिसमें एक मूल मंत्र होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसकी आस्था होती है भारत का विकास। आज देखिए, हम मोदी जी बात करते हैं 2047 में भारत कैसा होगा, मोदी जी बात करते हैं कि हम इस 25 साल में अगले 1000 साल की आधारशिला रखेंगे और भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, और ये लोग बात करते हैं देश को तोड़ने की, देश को डिवाइड करने की, और सिर्फ अपने परिवार, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी भी तोड़ ले गए आप लोग, हमारे साथ वाले उनको भी तोड़ ले गए आप लोग, राज्यसभा चुनाव में तोड़ लिए, उससे पहले आप राजभर को ले गए, आरएलडी को भी ले गए आप लोग। राहुल जी, हम तोड़ते नहीं है किसी को, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, बस फर्क यह है कि उन्हें हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करना होता है। जो कोई भी विचारधारा एक्सेप्ट कर ले, भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को समाहित मान ले, समर्पित मान ले, संगठन में कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए तैयार हो, परिवारवाद से मुक्त हो जाए, उन सभी का स्वागत है, और इसीलिए हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका। लेकिन एक सवाल आपसे कौशल कांत जी, जी, जो 22 से पहले गए और 24 से पहले आ गए, क्या वो 24 के बाद नहीं जा सकते? उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह स्थिर खड़ी है, ये उनके लिए प्रॉब्लम है, ये उनके जनादेश पे सवाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी
एक वटवृक्ष की तरह भारत की राजनीति में खड़ी है। जो कोई भी आए उसका उसकी छांव में स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी अपने स्टैंड को बदलती नहीं है, अपने संगठन के किसी फैसले को बदलती नहीं है। हाँ, देश हित में, जनहित में जो भी फैसला देना लिया जाता है वो लिया जाता है, बाकी आने जाने वाले लोग अपनी विचारधारा बदल सकते ठीक हैं। है, दीपक रंजन जी आप सवाल उठा रहे थे, वो देशहित और जनहित की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई कौशल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए उन्होंने क्यों अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं? किसानों की जो जायज मांगे, किसान आज इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है और पिछले आंदोलन में करीब मोर देन 750 किसानों ने शहादत की, जिनकी जान चली गई, अभी भी 2 लोगों की जान चली गई। ये जो उत्तर प्रदेश जो लीक प्रचार लीक प्रदेश बन चुका है, वो बेचारे जिन 60 लाख जो है नौजवानों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके लिए इनके दरवाजे क्यों बंद है? वो अगर किसी मंत्री को गुहार लगाने आया तो उनको पुलिस से लाठीचार्ज करा के उनको खदेड़ने काम होता है। अभी आज रंजन जी, ये अलग मुद्दा हुआ, ये अलग मुद्दा हुआ। देखिए, नहीं, ये देखिए, जनहित से जुड़े सवाल है, आप लोग विधानसभा में कीजिए, लोकसभा राज्यसभा में कीजिए, विधान परिषद में कीजिए। देखिए, सवाल ये है कि 24 की लड़ाई, नहीं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, 24 की लड़ाई ज्वलंत मुद्दे के साथ जाइए ना, 24 की लड़ाई। देखिए, ये वोटर नहीं है, ये वोटर दीपक रंजन जी, अगर अगर आपकी बातों में सच्चाई होती तो फिर तो बीजेपी जीतती नहीं 2019 2022 या अभी ताजा चुनाव हो गया क्या? ये अभी हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। पर्चा 5 साल 7 साल के अंदर, और आपके वो राज्यसभा राज्यसभा के उम्मीदवार को भी ना जिताते आपके विधायक, अभी अगर यही बात होती। लेकिन सवाल आप सवाल सुनिए, अभी जो 24 में ठीक है, आपके लिए मुद्दे हो सकते हैं। मैं दीपक रंजन जी, देखिए इधर उधर की बात नहीं कर रहे हम, जातिगत आंकड़े जहां आना है सभी पार्टियों को, जहां आना है सभी प्रत्याशियों को, इससे कोई गुरेज नहीं है। ये राहुल, ये राहुल जी ऐसा लग रहा है, कहा जाए ना यूनिवर्सल ट्रूथ है उत्तर प्रदेश के लिए कि जाति समीकरण से ही सरकार को बनाया और बिगाड़ा जाता है। अरे समाजवादी पार्टी जाति, दीपक रंजन जी क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है, करके चलती है, क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी? पीडीएफ क्या है भैया, पीडीएफ क्या है दीपक रंजन जी, पीडीएफ क्या है? पीडीएम हमारे पिछड़े, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज से आते हो, जो पिछड़ गए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और महंगाई की दिशा में। अब कहां से अब परिभाषा चेंज हो गई, पिछड़े जो साहब, क्यों आप पिछड़े आप, के आपके आप नहीं तो क्या आप क्या आरक्षण को जुटला रहे हैं, आरक्षण को जुटला रहे हैं, संविधान को जुटला रहे हैं आप? क्यों क्यों, अरे तो क्यों नहीं आप जो है कास्ट सेंसस करा दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा रहे हैं? आप पीछे तो आपकी सरकार थी, जहां आप सपोर्ट करते थे वहां ले लेते, वहां बात कर लेते, तब तो बाहर से भी बसा और अंदर से भी बसा। कौशल कांत मिश्रा जी नहीं, आपके हिसाब से दीपक रंजन जी डिबेट नहीं चल सकता, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, दीपक रंजन जी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको फोन गया था, फोन पर यही कहा गया होगा ना कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत होगी। अरे जिसको मंत्री बनाया वही जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कह रहा हूँ उनको जूतों से मार के भगाना चाहिए। कौशल कांत मिश्रा जी, वो तो नौजवानों के वो 24 में दिखेगा, वो 24 में दिखेगा, दिखेगा किसे पसंद जनता करती है किसे नहीं, यही हम आप और मेरे भाई कौशल कांत जी सब बैठे हुए हैं, उस पर आराम से बात करेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी, नहीं आपके हिसाब से नहीं हो गए डिबेट, दीपक रंजन जी आपके हिसाब से नहीं हो रहे, राहुल जी आप अपना एजेंडा सड़कों पर सेट कीजिए, विधानसभा विधान परिषद में सेट कीजिए, या नहीं सेट होने वाला। देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि जो इन्होंने किसानों की बात की, तो पहली बार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके किसानों का सम्मान किया गया, वो किसानों के सबसे बड़े नेता थे। और दूसरा, इन्होंने किसानों की बात की, मैं जवाब उसका भी जवाब देता हूं। जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, करीब करीब 35 मीटिंग्स हुई थी सरकार के साथ। अभी भी जो किसान आंदोलन हुआ, 3 मंत्री लगाए गए और उन्होंने डायरेक्ट उनसे बातचीत चल रही है और कंटिन्यूअस चल रही है, सरकार उनके साथ है, हर बातचीत का हर चीज समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है। दूसरी चीज, इन्होंने पेपर लीक की बात की, आपको पता होगा इसके पहले जो पेपर लीक हुआ था, 2 महीने में दोबारा पेपर परीक्षा करा करके परीक्षार्थियों को रिजल्ट दिया गया। ये चूंकि चुनाव का मौसम आ गया, इस वजह से 6 महीने का समय मांग गया। अब आते हैं इनके पीडीए पे, इनके पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। जितने भी इंडी गठबंधन में, चाहे प्रदेश के हो चाहे देश के हो, इनका सिर्फ एक ही नारा है, परिवार डेवलपमेंट अलाउंस। ये जो 7 परिवारों का पीडीए से भी चिढ़ने लगे आप लोग, अब आप पीडीए से भी चिढ़ने लगे। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 4 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में, हालांकि जातिगत
क्षेत्र के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से हर एक रणनीति के तहत शामिल किया गया है, लेकिन सवाल यह कि 24 में आखिर ये चेहरे किस तरीके से रिजल्ट को परिवर्तित कर सकते हैं, या यूं कहें कि जो नारा है 400 पार का, उससे किस तरीके से धरातल पर सभी मिलकर उतारते हैं। दो टूक में इतना है।